के न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल, जिसमें हम दिन भर की कुछ स्पेशल खबरों को लेकर आते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें देते हैं और आप तक उस खबर के असली मकसद को पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस खबर के पीछे क्या है, वो खबर आखिर खबर के तौर पर क्यों आई और क्यों स्पेशल बन गई। और कई बार ऐसी भी खबरें होती है इस पूरे 11 स्पेशल में जिसका सीधा सीधा जुड़ाव आपके साथ ही होता है। तो अगली खबर जो हम बात करने वाले हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छत्तीसगढ़ के दौरे की, तो ये खबर भी आपके साथ जुड़ी हुई है। सीधा तो नहीं, लेकिन कम से कम ये जरूर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छत्तीसगढ़ बुलाया जाना अपने आप में तमाम झारखंड वासियों के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव 2021 का गुरुवार को आगाज हो गया। इस मौके पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और यही बताते हैं कि कैसे झारखंड के जो जनजातीय समाज के कलाकार हैं वो भी अपने छटा बिखेर रहे हैं और कुछ छटा और भी बाकी है जो बिखेरेंगे, वो अपने कला का मुजाहरा वो इस कार्यक्रम में करेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव राज्योत्सव 2021 उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने गौर सिंह और वाद्य यंत्र मादक किया भेंट। 7 देश भारत के 27 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के 1000 से ज्यादा कलाकार, आदिवासी संस्कृति की झलक, वास संस्कार और पारंपरिक रीति रिवाज का प्रदर्शन, झारखंड के कलाकार भी देंगे प्रस्तुति। कार्यक्रम से जनजाति वर्ग को मिलेगी ऊर्जा, सभ्यता और संस्कृति को रख सकेंगे अक्षुण। झारखंड और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को कुछ भेंट करना चाहते हैं, अपनी परंपरा है। ये सिर्फ नृत्य महोत्सव नहीं बल्कि ऐसे वर्गों के लिए सम्मान है जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ये पूरे देश और विदेश के लिए संदेश है कि अगर हम चाहें तो ये वर्ग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव 2021 के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में अपने आप में अलग कार्यक्रम है जहां आदिवासी समाज की परंपरा और संस्कृति से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से जनजाति वर्ग को एक ऊर्जा मिलेगी और वे अपनी सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण रख सकेंगे। ऐसे वर्गों के प्रति एक सम्मान है जो वर्ग सदियों से अलग थलग और शोषण से ग्रसित, कई शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, इन सब में पिछड़ापन रहा है। आज निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के लिए एक संदेश है कि आज अगर हम चाहें तो ये वर्ग हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति के आसपास रहता है, उनके खेत खलिहान, पशु और वनोपज ही इनका धन है। छत्तीसगढ़ शासन वनोपज में MSP देकर ऐसे समुदाय को मदद कर रही है जो सराहनीय है। उन्होंने ग्रामीणों की क्रय शक्ति बढ़ाने की दिशा में कार्य पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है। बातें हम बहुत करते हैं, सरकार में विभागे बनती है, मंत्री बनते हैं, लेकिन आज भी ये वर्ग कहीं ना कहीं वंचित स्थिति पर है। बघेल साहब का यह प्रयास निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और इस वर्ग को आगे आने का मौका मिलेगा। और आज इस कार्यक्रम से मुझे लगता है इन जनजातियों वर्गों को भी आशा उम्मीद जगेगी, एक ताकत मिलेगा, एक ऊर्जा मिलेगा और अपने संस्कृति और सभ्यता को
अक्षुण रखेगा। इस महोत्सव में विवाह संस्कार, पारंपरिक त्योहार अनुष्ठान, फसल कटाई, कृषि और अन्य पारंपरिक विधाओं पर नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में झारखंड की ओर से विवाह संस्कार की विधा के तहत करसा, फसल कटाई के तहत उराव और छौ नृत्य की प्रस्तुति आदिवासी समुदाय के कलाकार करेंगे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता मौजूद रहे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का ये दूसरा वर्ष है, लेकिन दो सालों में महोत्सव महाकुंभ के रूप में तब्दील हो चुका है। न्यूज 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो बड़ा गर्व करने वाला पल है ये कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर मुख्य अतिथि बने हैं, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उसके साथ ही साथ एक आदिवासी समाज के प्रतिनिधि के तौर पर भी वो शामिल हुए, और ऐसे कार्यक्रमों से आदिवासी समाज को कितना लाभ होता है, कैसे उनकी झिझक खत्म होती है, कैसे वो अपनी संस्कृति को, सभ्यता को एकदम खुलकर सबके सामने रख पाते, झिझकते नहीं है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। और क्या कुछ फायदा हो सकता है ऐसे कार्यक्रम से, तो हम सीधा जानते हैं हमारे सहयोगी विपिन से। विपिन, इस कार्यक्रम के क्या मायने निकाले जाए, कितना फायदेमंद है ये जनजातीय समाज के लिए? विपिन जी, देखिए अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा था, जहां पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, जिसको कि नाम दिया गया था आदिवासी राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव, जिसका कि आगाज 2019 से छत्तीसगढ़ में हुआ है। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ये कार्यक्रम वहाँ शुरू हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आदिवासी कलाकार हैं वो वहाँ पर अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। तो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रायपुर पहुंचे थे, और बजापते मुख्य अतिथि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा उनके कैबिनेट के कई मंत्री, वहां के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी थी, कई सांसद विधायक वहां पर मौजूद रहे, और जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हेमंत सोरेन ने बताया कि किस तरह से ये जो एक सिर्फ नृत्य महोत्सव नहीं बल्कि आदिवासी परंपरा को लोगों तक पहुंचाने का एक साधन बना है। उन्होंने झारखंड की सरकार ने छत्तीसगढ़ शासन का के इस कार्य का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई भी दी कि किस तरह से आदिवासी परंपराओं को आगे बढ़ाने को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार जो है लगातार कवायद है, और खास करके मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल लगातार छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में राज्य की सरकार के द्वारा आदिवासियों के उत्थान को लेकर किए जा रहे कार्य का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से झारखंड जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो राज्य के आदिवासी छात्रों को पढ़ने के लिए विदेश भेज रहा है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे बीते दिनों 6 राज्य के होनहार आदिवासी छात्रों को राज्य की सरकार ने अपने खर्च पर विदेश भेजा है पढ़ने के लिए, और हर साल 10 ऐसे छात्रों को भेजने की योजना राज्य की सरकार चला रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि किस तरह से आदिवासी समाज को के उत्थान को लेकर राज्य की सरकार काम कर रही है, और साथ ही साथ उनका कहना था कि समाज तभी दुरुस्त होगा जब गाँव बेहतर होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में कई ऐसी योजनाएं झारखंड की सरकार चला रही है जिससे कि राज्य के का जो जनजातीय समुदाय है वो विकसित हो सके, हुनरमंद हो सके, और जिस तरह से लगातार जो कवायद की जा रही है और जो झारखंड में सरकार के कई निर्णय हैं उसका अवगत उन बातों से भी मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ की सरकार को अवगत कराया, और साथ ही साथ ये बताया कि 15 तारीख को झारखंड का भी स्थापना दिवस है, और झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जो एक साथ राज्य देश के मानचित्र पर 2000 में आए थे, और उसके बाद से क्या क्या स्थिति और किन किन विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हुए 21 साल का झारखंड हो गया है, और किस तरह से झारखंड में सरकार जो है नए नियुक्तियों के जरिए राज्य को जो है वो स्वावलंबी बनाने की ओर अग्रसर है। अगर बात की जाए तो 13 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से हेमंत सोरेन को न्योता मिला था इस कार्यक्रम में आने के लिए, और 3 दिनों तक ये जो आयोजन चलना है 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, इसमें
देश के कई जाने माने लोग शिरकत करेंगे, लेकिन आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण झारखंड के लिहाज से वो हो गया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और जिस तरह से उनका वहां पर स्वागत किया गया छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, इससे अभिभूत भी नजर आए मुख्यमंत्री। और एक बात जो उभर कर सामने आई है कि बहुत जल्द मिलकर झारखंड और छत्तीसगढ़, क्योंकि दोनों बॉर्डर इलाका पड़ता है, तो दोनों मिलकर किस तरह से आदिवासी उत्थान को लेकर काम कर सके, इन तमाम चीज़ों पर मंथन होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ की राजधानी में, उसमें शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने जिन बातों का उल्लेख किया वो दिखा रहा है कि किस तरह से झारखंड में सबको साथ लेकर चलने की कवायद में मुख्यमंत्री जुड़े हैं। और खास करके जिस उद्देश्य से राज्य का गठन हुआ था, एक ट्राइब स्टेट होने के नाते यहाँ के ट्राइबल्स को किस तरह से सशक्त बनाया जा सके, इस ओर भी काम करने की जरूरत है, इस पर भी मुख्यमंत्री ने अपना आज विजन छत्तीसगढ़ में रखा है। शुक्रिया, आपने पूरी जानकारी दी। और निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और साथ में जो संस्कृति है एक दूसरे के उसका आदान प्रदान होते रहे, लोग समझ पाए, आदिवासी समाज के महत्व को समझ पाए कि कैसे इनके वजह से जो जंगल है, जमीन है, जल है, उस संरक्षित हो रहे हैं। और ऐसे में इनकी संस्कृति को संरक्षित करने की बहुत जरूरत है, ऐसा ना हो कि अपनी संस्कृति को नए जमाने के साथ भूल जाए, बल्कि ये सुदृढ़ हो, मजबूत हो और साथ ही साथ चलता रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।